आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। जयंती माता ने दिखाया अपना वास्तविक स्वरूप, मिट्टी की नहीं पाषाण की निकली माताजी की प्रतिमा। पद्मासन पर विराजमान चार भुजा शस्त्रधारी है जयंती माताजी की वास्तविक प्रतिमा। लगातार सिंदूर के लेप से धारणा थी कि माता की प्रतिमा मिट्टी की है, लेकिन आज दिखा वास्तविक पाषाण रूप। बड़वा से 3 किलोमीटर दूर घने जंगल में विराजमान जयंती माता के मंदिर में आज सुबह 4 बजे श्रृंगार के बाद अचानक चोला छोड़ने की घटना ने आज जयंती माता की प्रतिमा से संबंधित अनेक नए रहस्यों को भी उजागर कर दिया, जो पूरे क्षेत्र के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आजाद हिंदुस्तान लाइव आज आपको इन रहस्यों से अवगत करवा रहे हैं। आज सुबह चोला छोड़ने के बाद माताजी की प्रतिमा के असली स्वरूप उजागर हुआ, तो माताजी से संबंधित अनेक रहस्य खुद उजागर हो गए। जयंती माता की मूर्ति मिट्टी की नहीं पाषाण की निकली। बता दें कि विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में स्थित इस मंदिर की स्थापना बड़वाह के शासक राणा परिवार ने की है। राणा राजेंद्र सिंह जी ने पूर्व में भी दावा किया था माताजी की असली प्रतिमा पाषाण की ही है, लेकिन प्रतिमा पर लगातार सिंदूर के विलेपन से क्षेत्रवासियों और यहां तक कि पुजारी जी को भी यही आभास था कि माताजी की मूर्ति मिट्टी की है। लेकिन आज जब माताजी ने अपना चोला छोड़ा तो माताजी का असली स्वरूप सामने आ गया और ये मूर्ति पाषाण की निकली। ऐसा है माताजी की प्रतिमा का असली स्वरूप। आज सुबह जब राणा राजेंद्र सिंह के साथ संपूर्ण राणा परिवार ने पुजारी जी की उपस्थिति में माता के दर्शन किए तो माता अपने असली स्वरूप में थी। राणा राजेंद्र सिंह जी ने आजाद हिंदुस्तान को बताया कि हमारे परिवार की पोथी जो लगभग 500 वर्ष पुरानी है उसमें मूर्ति पाषाण की होना बताई गई थी और आज ये माताजी ने खुद साबित कर दिया। उन्होंने माताजी के असली स्वरूप के बारे में बताते हुए कहा कि चोला छोड़ने के बाद आज प्रकट हुई असली प्रतिमा पाषाण की है। माताजी कमलासन पर विराजमान है। माताजी की प्रतिमा चार भुजा शस्त्रधारी है। उन्होंने बताया कि आज शाम को 5 बजे से पूजा विधान प्रारंभ होगा, उसके बाद कल से माताजी के अब असली स्वरूप में भक्तों को दर्शन हो सकेंगे। पंडित जी ने कहा कि हमें भी यही लगता था माताजी की प्रतिमा मिट्टी की है। जयंती माता मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि सैकड़ों सालों से चोला एवं सिंदूर चढ़ाने के कारण माताजी का पाषाण स्वरूप का आभास ही नहीं हुआ। यही लगता था कि माताजी की प्रतिमा मिट्टी की है, लेकिन आज माताजी ने असली स्वरूप में दर्शन देकर सभी को चमत्कृत किया है। अब पूजा विधान के बाद माताजी के असली स्वरूप में भक्तों को दर्शन हो सकेंगे। अब पता लग सकेगा कि माताजी की मूर्ति कितनी प्राचीन है। माताजी का असली स्वरूप प्रकट होने के बाद अब पुरातत्व विभाग आसानी से पता लगा सकेगा कि माताजी की ये प्रतिमा कितनी प्राचीन है। कुल मिलाकर माताजी की असली प्रतिमा के दर्शन हो पाने की बात जानकर माता के भक्तों में बहुत खुशी है। नवरात्र के पवित्र दिनों में माताजी के इस अद्भुत चमत्कार के बाद लोगों को इंतजार है कि कब माताजी के असली स्वरूप के दर्शन हो पाते हैं। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न मलजैन की खास रिपोर्ट। जी, चोला उतरने का क्या कारण है? सर, इसका कारण तो ये है कि हालांकि ये बहुत प्राचीन मूर्ति है हमारी, चोला वगैरह सब चढ़ता है और उनका आशीर्वाद है, जो भी कुछ है, ये पहला मौका है जब हमारे को मेरी जिंदगी में देखने को मिला कि माता जी ने अपना पूरा चोला उतार दिया। और ये चोला उतरने के बाद इसकी सूचना जैसे भी पुजारी महेंद्र है ये है, इन लोगों ने आपको सूचना दी, SDM को दी, जो कुछ दी, तो वो इनका फर्ज था, करना था। पर इसके बाद अब जो इसका वापस स्वरूप होगा वो विधि विधान से पूरी पूजन के साथ पूरे धर्म के जो नियम हैं उनको करते हुए और उसके बाद पुनः दर्शन के लिए इसको चालू किया जाएगा। पर इसमें क्या है कि एक दिन के जगह 2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि विधि विधान का जो इनका रात को रात्रिकालीन पूजन है विधान से उसका समय भी बढ़ सकता है। तो इनके तरफ से ये व्यवस्था की गई है, हमारी द्वारा नियुक्त पुजारी हैं, ये इनका ही काम है, ये मंदिर का यही देखते हैं, तो इनको ही बोल दिया गया है कि आप विधि विधान से करिए, जो भी खर्च लगता है वो तो सब हम ही परिवार को ठिकाने को उठाना है मेरे को, क्यों कि ये काम इनका पूजा का है, इनका ये फालतू इस टाइप का ऊपर अतिरिक्त खर्च करने का इनका कोई दायित्व तो नहीं है, ये पूजन पत्र करते हैं बाकायदा नियम से,
पूरा परिवार करता है, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। अब ये जो घटना घटित हुई है प्राकृतिक सी है, उसका कारण मैं भी नहीं कह सकता और ये भी नहीं कह सकता। तो इसको हम ये चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा पूजन करके कायदे से जो श्रद्धा लोगों की है और माता की ताकत है वो वापस कायम हो और जनता दर्शन करे। उसका रूप बदल लिया था। अब ये डिस्कस हुआ करता था कि एक्चुअली मूर्ति काहे की, पाषाण की है या मटका हुई, तो पुरातत्व विभाग से इसकी जांच कराई गई। हो सकता है पुरातत्व विभाग से कुछ टूटी हुई है, गलती हुई, तो उन्होंने इसको डिसाइड ये किया था कि मूर्ति जो है मट्टी की है। लेकिन माँ ने सारे जन्म चर्चा थी इस बात की, मट्टी की मूर्ति है, मट्टी की मूर्ति है। लेकिन माँ ने आज चमत्कारिक रूप से अपना ओरिजिनल जो है वो स्वरूप दर्शन के लिए दिया कि मैं पाषाण में, प्राण प्रतिष्ठा पाषाण में है, जो ऊपर आवरण था जो उन्होंने छोड़ा है। और मैं कह रहा हूँ बर्वानी आस पास के सारे 100-1000 किलोमीटर तक का लोगों का सौभाग्य है कि माँ के स्वरूप का ओरिजिनल दर्शन पूजन के बाद में होगा। और चूंकि रात्रि कालीन एक माता जी का ऐसा माने धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसा है कि पूजन रात्रि कालीन में होता है विधि विधान से, इसका रात्रि पूजन होगा विधि विधान से और सबके दर्शन के लिए पूजा करते हैं। छोड़ा है, इसकी सूचना आपके द्वारा दी गई थी कुछ जनप्रतिनिधियों को, क्या मामला है पूरा? माँ भगवती आप सभी को जय श्री माता जी की। शारदीय नवरात्रि पर्व चल रहा है, माता जी का विशेष पर्व है और इस नगरनी क्षेत्र का ही पर्व है। माता जी की प्रतिमा पाषाण की है तो आप सबके सामने ही, और सिंदूर चोला वर्ण अपन करते आ रहे हैं, माता जी को चोला चढ़ता है। अब प्राचीन समय से चोला चढ़ाते चढ़ाते काफी चोला चढ़ गया है। अब माता जी ने आज जो है सुबह प्रातःकालीन चोला चढ़ाया, अभिषेक पूजन हुआ, चोला चढ़ाया, वस्त्र भी धारण हो गए, आभूषण धारण करा रहे थे, उससे हम स्वयं अपने आप चोला छोड़ दिया है, चोला छोड़ दिया। उसके बाद हमने पट बंद कर दिए, पट बंद करके राम जनता का दर्शन, हमारा जो नियम कर्म है विधि विधान, बाहर से पूजन आरती हुई, पूजन आरती होकर के लोगों को बाहर से दर्शन कराया, प्रसाद वितरण हुआ। आप कितने साल से सेवा दे रहे हैं? सर हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी है। ये पांचवी पीढ़ी में इस तरह की जो गतिविधि कितनी बार हुई? ऐसे तो जैसे अभी बताया ही था कि उस समय हुई, लेकिन 2020 में हमारे समक्ष हुई थी, जो माता जी का इस हिस्से का चेहरा थोड़ा सा हुआ था उसको हमने उसी विधि विधान से पूजन करके फिर किया था। लेकिन ये गोपनीय चीजें रहती हैं शास्त्र के नियम अनुसार, हमने किसी से सार्वजनिक नहीं करी थी उस टाइम। लेकिन आज जो है माँ ने फिर पुनः चोला छोड़ा है और ज्योतिष की प्रश्न कुंडली के अनुसार ये ऐसा आया है कि कुछ नगर पे विशेष संकट था तो माँ ने स्वयं अपने पे लेकर के उस संकट को टाला है। ये कोशिश हमारी कल सुबह प्रातःकालीन आरती हो जाए फिर माँ की इच्छा। पंडित महेंद्र कुमार शर्मा।